आलमबाग के पूरन नगर में सफारा चौकी के पास स्थित फर्नीचर गोदाम में सोमवार की सुबह आग लग गई। आपको बता दें कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर स्टेशन पर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने दो गाड़ियों की मदद से घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तीन मंजिला इमारत के भूतल पर स्थित फर्नीचर खाने से सोमवार की सुबह धुआं और आग के लपटे निकलती देखकर दूसरे तल पर जिम में कसरत कर रहे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था। पूरी मार्केट में धुआं फैल गया। जिम में मौजूद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो लोगों ने घटना की जानकारी दमकल को दी। कुछ ही देर में आलमनगर फायर स्टेशन से दमकल कर्मी पहुंचे। आग की तपिश से कारखाने के शीशे फट चुके थे। आपको बता दें कि जिम से निकलकर लोग आनन फानन में भागकर सड़क पर आ गए। दमकल कर्मियों ने दो गाड़ियों की मदद से घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो वहीं FSO आलमबाग ने बताया कि तीन मंजिला मार्केट में सबसे नीचे फर्नीचर खाना, पहले तल पर एक कपड़ा और होजरी शोरूम और दूसरे तल पर जिम और तीसरे तल पर ऑफिस था। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और आग सिर्फ फर्नीचर खाने तक ही रही। आग से कोई हताहत नहीं हुआ। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। कारखाने में रखी काफी लकड़ियां और फर्नीचर आदि जल गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।